इस घर के अंदर में जितने भी बड़े बड़े स्टार थे जो अपने एटीट्यूड में बैठे हुए थे कि हम तो वैसे ही दिख जाएंगे, हमारी बारे में बातें वैसे ही चलती रहेगी, अब ये लोग जो है अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई करके अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं ताकि हमारे बारे में भी बात हो। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ इस बारे में कि पूजा भट्ट और जिया शंकर के बीच में जो लड़ाई हुई है, इन दोनों की लड़ाई पहले लगा कि बहुत बड़ा वाला बवाल है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से बोल रही है और पूजा भट्ट ने कहा शट द फक अप, और उसके बाद से अचानक से रियलाइज होता है ओ माय गॉड मेरी इमेज जाने वाली है, अटैक से कवर मारते हैं तो कवर मारती है मैडम इन योर वे इन योर लैंग्वेज, वाओ अमेजिंग है। मतलब इंसान जब उम्र में बड़ा होता है ना तो उसको एक्सपीरियंस के साथ साथ वो फैसिलिटी मिल जाती है कि आपको किस तरह से कवर अप करना है, फटाक से माइंड काम करता है, मैडम ने यही चीज किया है। तो पूजा भट्ट एग्जैक्टली इस घर में एक कॉर्नर हो चुकी है जब से अल्विश यादव आया है, और इससे पहले की बात अगर की जाए जब अभिषेक मल्हान बहुत ज्यादा टॉप पे था, मतलब हमेशा होता है हर साल की जैसे सीजन स्टार्ट होता है हर कोई अपने अपने फेवरेट टीवी स्टार को लेकर के ट्रेंडिंग में चला रहे होते हैं, लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, खास करके अपना ओटीटी सीजन में भाई लोग टीवी स्टार्स के बारे में बात कर रहे पॉजिटिव होकर के, हमेशा बनाते बेस्ट कपल या फिर अच्छी बॉन्डिंग, यहाँ पे चल रहा है सिर्फ फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान, भाई घर पे रूल कर रहा है, सोशल मीडिया कम्युनिटी एकदम फाड़ रही है, बस यही चीज चल रहा था। उसके बाद से अचानक से एंट्री होती है एल्विश यादव की, और एल्विश यादव जैसे ही आता है तो हर ग्रुप चाहने लगा कि ये बंदा अपने ग्रुप में आना चाहिए, पता नहीं क्या देख करके। बट एक चीज तो मानना पड़ेगा कि एल्विश यादव जैसा कमीना इंसान मैंने नहीं देखा है, मतलब ये बंदा जो है ना बोल रहा है कि आओ मेरी मारो, तुम में जितना दम है ना मेरी मारो, उसके बाद से मैं बताऊंगा, वो एक डायलॉग आता ना कि उतनी ही मारो जितना तुम खा सको वापस, ये बंदा वही कर रहा है कि तुम कर लो जितना करना है कर लो, जब मैं शुरू होऊंगा तो भाई भागते नजर आओगे। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर कोई खास करके बेबिका और पता नहीं पूरे घर वालों को क्या पड़ी है, यूट्यूबर कितना कमाता है ये जान लिया जाए, और ये दोनों के दोनों वही गेम खेल रहे जो कि अपने सब्सक्राइबर के साथ में खेलते हैं, जो कि अपने ऑडियंस के साथ में खेलते हैं। इनसे पूछी जाती है कि आपकी इनकम क्या है तो बस ऐसे कहते हैं समझ लो 2 iPhone खरीद सकता हूं। अब कौन सा वाला 2 iPhone, 14 वाला या फिर iPhone बस नॉर्मल वाला, ये नहीं बताते, मतलब डायरेक्टली नहीं बताना चाहते। यही गेम घर के अंदर में जाकर के एल्विश यादव ने बहुत अच्छे से खेला, बेबी का पीछे पड़ गई कितने सब्सक्राइबर है भाई, ये कितने सब्सक्राइबर है, अगर ये बंदा बोल दे तो घर के अंदर में फैल जाए, और फिर लोग इसके साथ में जो चेहरा निकाल कर सामने रखने वाले थे वो नहीं रखेंगे, फिर अच्छा अच्छा चेहरा बना के घूमेंगे। और बेबी का को शायद ये समझ में आ गया मेरा बहुत बैकलैश हो चुका है, अब जो है एक नई ऑडियंस रेडी करनी पड़ेगी, भले से वो मेरा खुद का हो या फिर किसी और को पकड़ करके हो। अभिषेक मल्हान के साथ में एक अच्छा सा दोस्ती वाला रिलेशन दिखा रही है, हालांकि उसमें हेट दिख जाता है, अभी इस भाई साहब को एकदम क्रश के जैसे जो है पीछे पीछे घूम रही है कि भाई ये बंदा मिल गया तो सही है, और उसी चीज को जो है ये भाई साहब एकदम रोक के रखे कि नहीं मेरा कोई फैन बेस नहीं है, मेरा कोई मतलब कितने सब्सक्राइबर है, 150 सब्सक्राइबर है, मतलब मेरे मिठाई की दुकान है उसमें 150 लोग आते हैं। अब समझ लो भाई साहब क्या कह रहे हैं, कभी कह रहे थे कि मैं सऊदी अरबिया से हूँ, कभी कह रहा था कि मैं यहाँ से हूँ ही नहीं, कभी कह रहा था बंदा कि मैं मुंबई से हूँ फिर दिल्ली से हूँ, घुमाता रह रहे हैं। तो भाई एल्विश यादव बहुत अच्छे तरीके से गेम खेल रहे हैं बिना अपना पावर दिखाए, जो कि अभिषेक मल्हान ने बीच में कह दिया था कि कितने उसके सब्सक्राइबर है, 8 मिलियन समथिंग उसने बता दिया था, यहाँ पे ये भाई साहब बताने के लिए राजी नहीं है। इन सारी चीजों को देख करके पूजा भट्ट के अंदर में एक चीज चल रही है, इस पूरे घर के अंदर में जो सोशल मीडिया के जितने भी है मतलब जाने माने चेहरे वही लोग आकर के मजा रहे, तभी करना क्या चाहिए। तो जब टास्क आया जहां पे वो विमल, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी खुलेआम विमल का जो है मतलब प्रचार किया जा रहा है, हालांकि हर जगह पे चिपका हुआ है, अभी टास्क ही रख दिया विमल के ऊपर है, मुझे तो ऐसा लगा था बोला जाएगा कि ये LIC चबा के थूक के बताओ और बोलो सुबह केसरी बोल के बताओ, पर ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे बताया जा रहा था कि सबका असली चेहरा बताओ आपको क्या लगता है और वो क्या है। तो भाई उस जगह पे भाई साहब ने जो भी चीज कहा एकदम कहते ना असली चेहरा असली औकात दिखाने वाला काम बंदे ने कर दिया। पूजा भट्ट का गेम बहुत हाई लेवल पे था बॉस, बंदी ने सबसे पहले बेबी को सेव करने के लिए जैसे वो मस्का लगा के बात करती है किया, उसके बाद से अभिषेक मल्हान और बेबिका के बीच वाला जो सेशन आता है उसके ऊपर मैं एकदम ऑनेस्ट अपना देती है कि हाँ इन दोनों के बीच में जो चीज है उसको इग्नोर नहीं कर सकते और ये ऑब्वियस है जो उन लोगों ने करके दिखाया है, पर एल्विश यादव जो है ना अपने जगह पे एकदम 100% सही है क्योंकि ये बंदा वैसे ही करता है, अविनाश लड़कियों पे अपना जोर दिखाता है, मर्दों से नहीं भिड़ता है। मैडम को इससे पहले कई बार इस चीज के बारे में कहा गया, उस बंदी ने कभी भी इस पे नहीं बोला, यहाँ तक कि जब यही बात अभिषेक मल्हान पे यानी फुकरा इंसान पे बोला जाता था तो उस टाइम पे बेबिका को बोलती थी हाँ दैट्स ट्रू वो ऐसे ही करता है, वो लड़कियों पे चिल्लाता अपना हाइट अपनी आवाज अपना बाहर का नंबर्स जो है यहाँ पे गिनवाता है। मैडम उस टाइम पे मुंह ऐसे खोल रही थी, अविनाश के टाइम पे बंद था, और अभी जो है एल्विश यादव को देखी कि हवा इधर चल रही है पूरा घर उसके पीछे चल रहा है तो भाई मैं भी चलूंगी। अभी वो इतनी शांत हो गई है मानो कि एल्विश यादव आया और कोई इंजेक्शन दे दिया शांत बैठने का। पूरे घर के अंदर में जो माहौल चल रहा है वो अभी फिलहाल तो यही है। पूजा भट्ट के बारे में एक और चीज, जो वो सुलझी हुई इंसान बनती है कहती है मैंने शराब छोड़ दी है, मैंने जिंदगी बहुत देखी है, बेटा तुम लोग अभी छोटे हो और अंदर से फॉरगिवनेस आना चाहिए तभी तुम मच्योर
इनसिक्योर कहलाओगे, ये सारी चीज एक लाइन में खत्म हो जाता है जब वो कहती है जिया शंकर को जस्ट शट द फक अप। ये बोलते ही मैडम को रियलाइज होता है उफ ये मैंने क्या कह दिया, फिर अचानक से कवर मारती है कि इन योर लैंग्वेज इन योर वे। तो भाई ये चीज जो है दर्शाता है कि ये कितनी फेक है, और इनके दिल में उस हफ्ते की बात चल रही है जब दिल है कि मानता नहीं, जब टेरेंस आया था, जिया शंकर जब कर रही थी उसको बहुत अप्रिशिएट करती है कि वाओ इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा किया तुमने, और आज वो कहती है कि कोई दिल है कि मानता नहीं के ऊपर मैं लिपसिंग करने से ना स्टार नहीं बन जाता, दैट्स मीन कि आप मानते हो कि आप बहुत बड़े स्टार हो और आपके सामने कोई और है तो वो कुछ भी नहीं है, नथिंग है बॉस। ये एटीट्यूड एक लिमिट में रखना आपको बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाती है, लेकिन अगर इसी का मात्रा थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना तो फैंस आपको बताएंगी और खास करके ऑडियंस आपको रास्ता दिखाएंगी। में भी हो सकता है कि बिग बॉस आपको बाहर का रास्ता ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया में जब आप बाहर आओगे तब भी पता चलेगा, और अभी भी पूरी जनता को पता चल ही रहा है कि कौन किसके सपोर्ट में, कौन कैसा गेम खेल रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन एंड दैट वाज द गॉसिप एंड रिव्यू फॉर दिस एपिसोड। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट, आपने देखा तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, फॉर होम यू आर गोइंग टू सपोर्ट, किसको करना चाहते हो बताना जरूर, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।